जिस तरह से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी मुख्यमंत्री के प्रति भाषा का उपयोग कर रहे हैं, थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं, हमें लगता है ये मुख्यमंत्री का अपमान नहीं, महाराष्ट्र की जनता का अपमान है। ये भाषा कभी भी सहन नहीं हो सकती। समझना पड़ेगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं, कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बंगाल में वातावरण बिगाड़ा, हिंसक माहौल खड़ा किया, हमें लगता है उसी तरह का माहौल महाराष्ट्र में वे खड़ा करना चाहते हैं। महाराष्ट्र की जनता इसे बर्दाश्त करने वाली नहीं। ये भाषा, ये राजनीति कभी भी महाराष्ट्र की जनता स्वीकार नहीं करेगी। माहितीच्या आधारे मी एकही उत्तर देणार नाही। माझ्यावर जो गुन्हा दाखल झाला याची मला माहिती नाही। मी कुठलाही गुन्हा केलेला नाही। तुम्ही तपासून पहा आणि मग आपापल्या टीव्हीवर दाखवा, नाही तर माझी केस दाखल होईल तुमच्या विरोधात। गुन्हा नसताना पथक निघाला आहे, अटक होणार का? नॉर्मल माणूस वाटला काय तुम्हाला? कोणाचं म्हणणं आहे? शिवसेना कोण बोल, नाव सांगा ना। काय उगाच कोणाचं आहे नाव सांगा? शिवसेना कोण? शिवसेना तोंड एखाद्याचं नाव सांगा, नेत्याचं सांगा। सुधाकर भडगुजर जे आहेत, हे भडगुजर कोण दिलं? भडगुजर मी ओळखत नाही। आणि कोण ऐकून घ्या, थांबा, एकानी ते बोला एकावळे। तू असं कोणाच्या आणि माझी बदनामी करायला जर घेतली तो माझा गुन्हा त्याच्या अगोदर दाखल होईल तुमच्या। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।